ज मिटसू बीसीवन बिलो नंबर बोला आज सुबह हम लोग स्कूल में जो हम बुरूम से लेकर बुरम ये नोर्ची और नीजुली ले मदन विलेज मैक्सिमम स्कूल को देखा और मेरा जो पहले से जो बिल्डिंग बन रहा था वो कॉम्प्लेट में आया है अभी जो इनोग्रेशन करना है अभी इनोग्रेशन करने के लिए अभी रेडी है ना नहीं है इसीलिए फिर हमने सुबह चेक करके देखने का बाद जो इनोग्रेशन का प्रोग्राम रखेगा बोल के तो इसलिए सुबह विजिट किया अभी जो फिर नया जो है अभी और बुरम और न्योर्ची और नीजुली में तीन स्कूल का न्यू पे प्रोपोजर है उसमें सरकार कुछ पैसा दिया और वो बनेगा इसलिए वो जो है जहाँ प्रॉब्लम ना आए बाद में बनाने समय में बनाने जब जाएगा डिपार्टमेंट को डिपार्टमेंट को कहीं प्रॉब्लम ना आए तो इसलिए वो पहले डिपार्टमेंट को जो कौन सा डिपार्टमेंट को ले जाकर बिल्डिंग कहाँ बनना है और कैसे बनना है तो इसका डिटेल उन लोग को समझाने के लिए और उन लोग को दिखाने के लिए ले गया था और हम लोग देखा आने वाला जेनरेशन को हम वही बोलेगा कि क्योंकि मेरा समय में हम जितना कोशिश करेगा कि सड़क और हेल्थ जो आपका एजुकेशन को हमने काफ़ी ध्यान देने का कोशिश किया अभी हम जो अच्छा बिल्डिंग बना के स्कूल बिल्डिंग पढ़ने लिखने का लिए अच्छा बिल्डिंग बना के दे देगा और जो बच्चा उसमें पढ़ेगा चाहे वो बेटा हो या बेटी हो उन सभी से, से मेरा एक रिक्वेस्ट होगा ये जो भी बिल्डिंग में आप बैठ के पड़ेगा जो भी क्लास रूम में बैठ के पड़ेगा उसको आप ये सोचना पड़ेगा कि ये मेरा मंदिर है ये मेरा मस्जिद है ये मेरा चर्च है और यहाँ से मैं अच्छा एक इंसान बन सकता हूँ और ये मेरा प्रॉपर्टी है और मेरा प्रॉपर्टी सिर्फ बोल कर नहीं मेरा आने वाला जनरेशन का प्रॉपर्टी है अब अगर ऐसे सोच के जाएगा तो वो स्कूल बिल्डिंग जो है जहाँ पचास साल चलना है वो सौ साल भी चलेगा इसीलिए आप जहाँ भी पढ़ने लिखने वाला जो बच्चा लोग जो बेटा बेटी लोग को मेरा अपील है आप अपना जैसे शरीर में कपड़ा पिनता है साफ सुथर में और उस बिल्डिंग को भी आप लोग साफ सुथर में रखिए और लास्ट में हम लोग अभी यहाँ जो हम लोग जहाँ ये जो है आपका पाचीन कॉलोनी ना पहले आप लोग सुना होगा बहुत साल पहले ये जो है ये ज़मीन जो है आ, 500 हंड्रेड बनाने के लिए अरुणाचल सरकार ने यहाँ बहुत लोगों को कॉम्पेंशेशन ऑलरेडी दे चुका था तो उस कॉम्पेंशेशन दे चुका था और देने का बाद उसका कॉम्पेंसेसन देने का बाद एवेक्शन का काम को जो पर्जन डीसी है उनको दिया गया था कि एवेक्शन करने के लिए तो पता नहीं है अभी जो पर्जन डी है वो एवेक्शन का किया कहाँ तक अभी ये ब्रिज तो बन गया फाइव हंड्रेड वेदे यहाँ जमीन मिलेगा नहीं मिलेगा तो मिलना चाहिए मेरा हिसाब में तो अभी जो है परजन ऋषि जो है और उस समय से उनको एवेक्शन करने के लिए बा जनता को समझा बुझाने के लिए उनको दिया गया था अभी पता नहीं है पिलल उनका क्या इरादा है और वो बावेक्शन कर दिया ना और नहीं किया उनका दूती बनेगा और मेरा जो डेवलपमेंट का जो दूती है ये ब्रिज शायद ये भी इनोग्रेशन करने का लाइक आ गया अब फिनिशिंग में है ये दस बारह दिन में फिनिशिंग हो जाएगा इसका भी इनोवेशन इनोवेशन करेगा हाईकोर्ट का जो है ओ, आ, जो हम लोग का जो है पार्स ये जो है आ, उसको पर्स बिल्डिंग है उन्हें जो है हम लोग अभी अपार्टमेंट में है नीचे में पांडेशन में तो वो जो है टाइम लगेगा तो जैसे जैसे सरकार पांडिंग जैसे जैसे करेगा जितना जल्दी सकता है इतना जल्दी बन के तैयार होगा और काम करने में समय नहीं लगता है काम तो बहुत जल्दी सिर्फ इतना ही कि हो जाता है कि थोड़ा बहुत कभी कभी पानिंग में लेट हो तो जाने से तिखादार लोग का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ जाता है तो वो भी अगर सरकार का पानिंग अगर तिक तक रहेगा और मैं उम्मीद करता है ये जो है सरकार अच्छा पानिंग करेगा और काम करने वाला वो जो है बहुत स्पीड में करेगा और शायद वो दो तीन साल में हो जाना चाहिए नहीं इसमें सी सी पेमेंट रोड का ऐसा है अभी जैसे कि हम लोग पोलो कॉलोनी में अभी हम लोग को पिला लहाँ जो है कम से कम डेढ़ दो किलोमीटर जैसे करना है अभी हम लोग सिर्फ अभी हम लोग का हम लोग किया होगा टू हंड्रेड जैसे टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड जैसे किया होगा जैसे कि अभी हम लोग एक इसको ऐसे करता है कि ये जंक्शन से हो जंक्शन तक तो पब्लिक को जहाँ की सुविधा दिया जाए और आने जाने वाला को अगर तकलीफ ना पहुँचे उसका बाईपास रोड को हम लोग रख रख के करता है क्योंकि एक छत में हम लोग कर देगा तो फिर पब्लिक को बहुत तकलीफ होगा बहुत दूर तक पैदल जाना पड़ेगा तो इसलिए हम लोग जहाँ जेंसुन से एक जेंसुन से एक जेंसुन तक हम लोग उसको दलाई करने का बाद मिनिमम फिफ्टीन डेज सिक्सटीन डेज मैक्सिमम ट्वेंटी डेज उसका बाद में फिर हम लोग उसको खोल देगा फिर दूसरा ये दूसरा साइड का हम लोग फिर स्तार्थ करता है तो इसलिए पोलो कॉलोनी का अभी हम लोग शुरू किया है वो ये दो तीन महीना में उसका पोलो कॉलोनी का मैक्सिमम रोड बन जाएगा और आप लोग तो सुना होगा हम वहीं खड़ा होकर क्वालिटी में बिल्कुल कॉम मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए और जो कॉलोनी में बिल्कुल काम करने नहीं देगा यहाँ ऐसे ऐसे होता है कोई कोई कॉलोनी में काम करने नहीं देगा बोल के बोलता है तो इसीलिए कोई कोई कॉलोनी में बिल्कुल रास्ता ही नहीं चाहिए बोलने से तो बाकी कॉलोनी और बनाने के लिए तो बोध है तो तो इसीलिए वो बाकी कॉलोनी में आराम से काम कर सकता है जब उन लोग का दिमाग में आएगा कि हाँ नहीं रास्ता ही ज़रूरी है एक दो आदमी से ये जो जागरा से रास्ता खराब होगा अगर ऐसे सोचने जब लगेगा जो उधर का जनता खुद खुद उभर के आएगा नहीं हम लोग को रास्ता चाहिए आप क्यों ऐसे बोलता है जब बोलेगा तो वो कुछ समझ जाएगा तो इसलिए दहा जाए तो इसको हम ज़्यादा आर्गोमेंट में नहीं जाएगा क्योंकि अच्छा काम करने में जाने में ऐसे बहुत आता है लेकिन वो कुछ दिन का बाद जब रास्ता में जब कुछ चलेगा तो जब सुविधाजनक होगा तो खुद अच्छा लगेगा हाँ मेरा जो हमने जो बोला था और कहीं दूर दूर तक तो गलत था वो खुद महसूस करने लगेगा सर ये का का जो स्टेटस कैसे ब्रिज जो है जो बुरूम का ब्रिज जो है अभी पर आप लोग अभी आइए वहाँ पर वहाँ भी जाता है वो भी देख लीजिए बरूम का ब्रिज में अभी ये जो है प्राचीन ब्रिज जो 500 हंड्रेड का तो इसी को कंफ्यूजन में नहीं लाना है नहीं। हाँ और बुरूम का अभी हम लोग जो एलिपिल तो बरूम का अभी हम लोग जाता है उसको भी देख लेता है ना अभी हम लोग का रोड भी ठीक है लेकिन डिसिप्लिन नहीं है हाँ ट्रफिक में अपना मन मर्जी में गाड़ी ले जाता है अपना मन मर्जी में गाड़ी पार्किंग करता है और गाली देता है पोलिटिक्सन सरकार को गाली देता है अरे कम से कम अब तो थोड़ा तो सिस्टम में जाइए अब टू लेन को अगर फोर लेन बना देगा तो अगर जहाँ तहाँ से घुसेगा तो ये तो ट्रफिक जाम होगा ही होगा इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा मैं इटानगर का लिए अच्छा का लिए सोचता हूँ उम्मीद करता हूँ सारा जनता सारा भाई बहन जो है अगर इसको थोड़ा सा हाँ हमारा दस मिनट लेट होगा हम नियम में जाएगा हाँ नियम को अगर पोलो करेगा तुरपी तो को फॉलो करेगा इतना का प्रॉब्लम सॉल्व होगा